हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं सब? बढ़िया, गुड। नॉर्मली लीडर कैसा होता है? बहुत सीरियस इंसान जिसकी सब लोग बात मानते हैं, है ना? ना, पर BTS में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो मेंबर लीडर को भी नहीं छोड़ते। उनका मतलब किम नाम जून RM, उनका भी मौका मिलते ही खूब मजाक बनाया जाता है, मतलब तंग किया जाता है। देखते हैं RM की बर्दाश्त करने की ताकत कितनी है। Here we go। जिमिन कह रहे हैं, आज हम सभी ने बहुत सफाई की। इससे भी मजेदार बात यह है कि अगर हम रात में शोर मचाते हैं तो वो मतलब RM गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो खुद खराटे लेते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाथरूम में गाना भी गाया। RM कह रहे हैं, इसलिए मैं आज पूरे समय शांत रहा। मैं अभी भी बहुत शांत रह रहा हूँ। नामचुन के खराटे की शिकायत तो मेंबर शुरुआत से ही करते आए हैं। परमिशन टू डांस कॉन्सर्ट में अपने लीडर को ही पनिशमेंट दे दी। हेलो, मैं चिन हूँ। मैंने इसे करने की कोशिश की। उबासी कौन ले रहा है? यहाँ उबासी कौन ले रहा है? हे येलो हेयर, क्या तुम थक गए? मैं पहले घर चले जाना चाहिए। घर जाओ, तुम अपने हाथ ऊपर करो। RM को फिर से यॉनिंग आ रही है। फिर से किसने उबासी ली? नामजुना ने। चलो हाथ ऊपर करो। तुम से बहुत मतलब ही हो। खड़े हो जाओ, जाओ पीछे जाओ। जिन कह रहे, क्या तुम्हें यकीन है तुम लीडर हो? मैं रात में सो नहीं पाया था। चुपचाप पीछे जाओ और हाथ ऊपर करो। वाह, और ये ग्रुप के लीडर हैं। अच्छा हुआ स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हो गए, नहीं तो बच्चे ही पनिशमेंट देते। मज़ा आ रहा है लीडर को ऐसे पनिशमेंट देके, ऑन कैमरा वो भी। बॉय विद लव परफॉर्मेंस के बाद RM बात कर रहे थे कि वो इस परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा चिंता में थे। और मेंबर का रिएक्शन, क्यों, किस लिए? नामजून भी लाइक, ये कैमरे के सामने ऐसी हरकत करते हैं कि मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ते। RM भी लाइक, डांटू या नहीं? सोने के बाद RM के बाल थोड़े खराब हो गए। मेंबर पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हो गया? किसने चाकू उठाया और मेरे बाल काट दिए? ये ऐसा लग रहा जैसे किसी ने चाकू लिया और बालों को काट दिया। तुम्हारे बालों में थोड़ी रोट बनी है, ये गेहूं की कटाई की तरह है। जवाब कह रहे हैं, नामजुना तुम्हारे बाल किससे मिलते जुलते हैं? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, एक टेनिस बॉल की तरह। नामजुना, अगर आसपास कोई बॉल ना हो तो क्या मैं तुम्हारे सिर से टेनिस खेल सकता हूँ? हेलो, हम यहाँ परमिशन टू डांस की म्यूजिक वीडियो के लिए हैं। टेनिस। नामजुना के बाल येलो हैं। नामजुना के बाल सच में टेनिस बॉल कलर के हैं। फोटोशूट। जिमिन कह रहे, तुम अपने पीछे के स्टूडेंट ग्रुप के साथ वाइस प्रिंसिपल की तरह दिख रहे हो। कौन कौन? नामजुना, तुम किसी ऐसे इंसान की तरह दिखते हो जो स्टूडेंट को पढ़ाता है। नामजुन की बॉडी थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए वो अलग ही चमक रहे हैं। सच में टीचर या कोच जैसे लग रहे हैं। RM के पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए उनके मेंबर उन्हें चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते। RM कह रहे, ये मेरे मोबाइल पर एक प्लेलिस्ट है जिसे मैं ड्राइविंग करते हुए सुनता हूँ। ड्राइव करते समय? तुम्हारे पास कार नहीं है, मतलब लाइसेंस नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं खुद ड्राइव करता हूँ। सुनो, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है, क्या ड्राइविंग? हाँ, जिमिन को ब्रेक के दौरान हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया। हाँ, जैसे हम ब्रेक पर गए उसे ये मिल गया। चलो उसके लिए तालियां बजाएं। जिमिन को उसका लाइसेंस मिल गया। क्या नामजुना ही इकलौते ऐसे इंसान है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है? शुआ कह रहे, नामजुन को लाइसेंस मिलना भी नहीं चाहिए। सही कहा, तुम्हें लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हारे लिए कैब बुला लेंगे और एक ड्राइवर रखेंगे। हाँ, मेंबर को पता है कि RM ड्राइव करेंगे तो पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ करेंगे। नामजुना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मेरे पास दिमाग नहीं है? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दिमाग तो बहुत है। नामजुनी ह्योंग का दिमाग सबसे स्मार्ट है, मुझे यही सुनना था। चिन कह रहे, ओके, मैं रन BTS के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लूंगा। RM ड्राइविंग लाइसेंस चैलेंज। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए?
उसे रिटर्न टेस्ट पास करने में हेल्प करनी चाहिए। हमें नामजदों को सपोर्ट करना चाहिए। रोड टेस्ट के दौरान हम पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं। हाँ, आरम ड्राइविंग टेस्ट में पूरी बारात लेके जाएंगे। अब आरम के स्टेज जाने से पहले लिटिल हैबिट्स, यह आज बहुत सीरियस थी, लेकिन ये आमतौर पर कहते रहते हैं ओके लेट्स डू इट, और ये बहुत बातें करते हैं, और ये हमेशा स्टेज पर जाने से पहले टॉयलेट चले जाते हैं। हम जो ना कहते हैं चलो स्टेज को तोड़ दे, और ये सच में ऐसा कर देते हैं। नामजुन का मिशन उन्हें 300 डोमिनोज खड़े करने हैं। आ गई बच्चा पार्टी, वाओ गिरा दिया। इतनी मुश्किल से तो खड़े होते हैं ये। यूट्यूब पर गाली दे सकते हैं ना, है ना? नहीं दे सकते नामजुना, अब घर जाके देना। फिर आ गई, इतनी शांत जगह पर बना रहे थे। मुझे कुछ बनाने दो प्लीज, ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से। मारो मारो। मेंबर का सही है, अगर घर पर तंग करेंगे तो डायरेक्ट डांट मिलेगी, इसलिए कैमरे के सामने लीडर को तंग किया जाए। कैमरे के सामने आरम बिल्कुल गुस्सा नहीं कर पाएंगे। किम नामजुन हैप्पी बर्थडे। आरम का मुंह बंद, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। ऐसे टाइम पर तो कुछ बोल भी नहीं पाते। आरम बर्थडे लाइव, इतने बुरे तरीके से डोर बजा रहा कोई। क्या तुम चाहते हो मैं गेस करूं? सबसे पहले पाक जुमिन या जंग जंग कुक। नामजुना हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, आरम के लाइव में आके अपनी स्टोरी शुरू कर दी। ओप्स, गिरा दिया। जिन कह रहे हैं ये वही नामजुन है जिसे मैं जानता हूँ। थ्योंगशी भी आ गया। चलो बर्थडे सॉन्ग फिर से गाते हैं। 1 2 3 4। चलो ये तो पता चला कि मेंबर को आरम के गालों से बड़ा प्यार है। हर कोई आरम के गाल खींच के चले जाता है। आ, कपड़ों पर भी गिर गया। ओह आई एम सॉरी। चुप कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारी फेवरेट हुडी नहीं है? ओह ये नामजुन की फेवरेट है। ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं, और ये वाइट है। हाँ, नामजुना के फेवरेट कपड़ों में दाग लग गया। नामजुन भी सोच रहे होंगे बेटा एक बार लाइफ खत्म होने दो फिर बताता हूँ। जिमिन तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुमने ही गिराया। जिमिन उल्टा आरम को ही बोल रहे हैं, तुम्हें आज वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हें कैमरे के सामने डांट भी नहीं सकता। नामजुना की हालत। ओप्स, फोन भी गिरा। जिमिन ने कपड़े गंदे कर दिए। जी होप ने फोन गिरा दिया। अब इसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे। रुको रुको, अभी एक और बर्थडे है। जिमिन और जिन लगातार जबरदस्ती हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाए जा रहे हैं, जिसमें आरम को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हैप्पी बर्थडे नामजुन, हैप्पी बर्थडे माय ब्रो। आरम को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन जिन से कह रहे हैं, तुमने अपने फ्लाप पर कुछ डाला है? हाँ, वो इससे ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कौन सी जैकेट किसकी है। इससे तुम लोग मेरे कपड़े नहीं पहन पाओगे। नामजुना, तुम लोग कहने का मतलब नामजुन था? मेरे कपड़े मत पहना करो नामजुना। फ्लाइंग योगा। वाओ, नामजुन को लगा ये पोज सबसे ईजी होगा, पर इस पोज ने तो इतने बॉडी बिल्डर इंसान की भी हालत खराब कर दी। और मेंबर को हंसी आ रही है। नामजुना नामजुना, फेस फेस स्माइल, नाइस, मौके पर चौका। हाँ, इसे पकड़ो। मैं सिर्फ एक बाइट लूंगा। ये एक बाइट है। हेंग को छिलका फेंकने दिया क्या? बाउल में पानी डालो, वो इमोशनल हो रहा है। अपनी आवाज ऊंची मत करो, टीम वर्क। पानी उबालो,
ऐसी। शावर में सबसे ज्यादा कौन गाता है? ये सबको पता है, 1 2 3 RM। मतलब कौन कौन नहाते समय नहीं गाएगा? क्या गाते हो शावर लेते टाइम? ये मेरे कान फोड़ देते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, नो नो। सोने दो भाई नामजना को, बड़ी मुश्किल से तो काम से ब्रेक मिला। कैसे लड़ रहा है छोटे बच्चे के जैसे। हम समझ सकते हैं नामजना, तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। तुम्हारे पास क्या आ गया रैप मॉन? लेटर लिखने के लिए और जगह नहीं थी। स्टाफ कह रहे पूल के पास एक टेबल है, वैसे मैं बाहर जा रहा हूँ। अपने हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है नामजना, अब तक तो खा भी लेती, इसलिए मैंने ऐसा कहा। द मोस्ट आइकॉनिक लाइव, मतलब मोमेंट, जिनकी पेनल्टी आरम की गाल पर किस करने की, जबकि आरम खेल भी नहीं रहे थे, वो तो होस्ट थे, एमसी बस। बैठो बैठो, तुम्हें किस मिलेगी? क्यों? मैं क्यों? मैं नहीं हारा था। 1.5 घंटे ईमानदारी से होस्टिंग करने का फल, जेन अपने गाल पर मार मार के उन्हें लाल कर देंगे। ओह, जगह बोले आराम को देखना जब हम टर्न इट अप गाएंगे। नामजुना का स्टेप अजीब लग रहा है। ये भी मजेदार है कि परफॉर्मेंस करने के बाद साथ में अपनी ही परफॉर्मेंस की वीडियो देखना, कभी इमोशनल हो जाते कभी ऐसे ही कॉमेडी। आरम ह्योंग पूरी तरह से बाहर चले जाते हैं, जो होप स्पेस दे रहे हैं। और ऐसी कौन सी बात है इन तीन महान बच्चों की जो बात में नहीं हो सकती? वाओ, कंट्रोल कंट्रोल, नामजुना बच्चे ही तो हैं, सीख जाएंगे। इतने पास नहीं खड़े होते दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उम्मीद है जोर से न लगी हो। नामजुना नामजुना, कहाँ है नामजुन? दिखी नहीं रे। अच्छा, ये छुप गए थे। इज़ अ क्यूट। अथियों का ऐसे रिएक्शन क्यों? खैर, अब तो नामजुन को हैबिट हो गई होगी इन सब की। तो ये थे सबसे फेमस बैंड के फेमस लीडर और उनकी नॉटी टीम, जिसके सामने लीडर भी हार मान लेते हैं। अगर दैन फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।